नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। दोस्तों, आज के इस वीडियो में दो मसला ऐसे लाया हूँ जिसे आप सभी हजरात अगर सुनेंगे तो यकीन के साथ कहता हूँ कि बहुत कुछ हासिल हो सकता है मियाँ बीवी के ताल्लुक से। देखिए दोस्तों, क्या फरमाते हैं उलमाए दीन व मुफ्तियाने शरीयतीन इस मसले के बारे में कि एक शख्स की शादी तकरीबन 4 साल पहले हुई थी, उसके दो बच्चे भी हैं। शोहर को एक हादसा पेश आ गया जिसके उसकी दोनों आँखें और एक हाथ ज़ाय हो गया। उसकी बीवी अपने वालदैन के यहाँ चली गई। अब वो शोहर के घर नहीं आना चाहती। शोहर के घर जाना इसके लिए लाजिम है या नहीं, और अगर वो ना जाए तो उस पर ज़बरदस्ती की जा सकती है या नहीं, जबकि शोहर उसको नानो नफका और दिगर हुकूक पूरे करने की भरपूर सलाहियत रखता है। तो दोस्तों, इसकी जवाब सुनिए। ऐसी सूरत से निकाह में कोई फ़र्क नहीं आता। शोहर के मजकूर हालात के बावजूद बीवी पर शोहर की अतात फ़र्ज है। इसके लिए लाजिम है कि शोहर के घर रहे और हुकूक ज़ौजियत अदा करे। अगर शोहर के बुलाने के बावजूद वो शोहर के घर नहीं जाती तो नाफरमानी नहीं। इस सूरत में वो नफका की हकदार नहीं होगी। बीवी ये सोचे कि अगर उसके साथ ये हादसा पेश आ जाता तो उस सूरत में वो शोहर से क्या तवक्को रखती, लिहाजा वो शोहर के घर आ जाए और उसकी खिदमात अंजाम देकर रजा इलाही हासिल करे। देखिए दोस्तों, दूसरा मसला ये है कि शोहर या बीवी के मरने के बाद एक दूसरे को देखने और छूने का हुक्म क्या है। क्या फरमाते हैं उलमाए दीन व मुफ्तियाने शरीयतीन इस मसले के बारे में कि क्या बीवी मियाँ बीवी का रिश्ता सिर्फ दुनिया ही तक महदूद है? मरने के बाद बीवी शोहर की लाश को हाथ लगा सकती है या नहीं? नीज मर्द अपनी मरहुमा बीवी को मरने के बाद देख सकता है और लहद में उतार सकता है या नहीं? बीवी मरहूम शोहर को देख भी सकती है और छू भी सकती है, जबकि शोहर ऐसा नहीं कर सकता, ऐसा क्यों है? इसके जवाब आप सभी हजरात समाज फरमाएं। देखिए दोस्तों, निकाह जिंदगी भर के लिए होता है। मरने के बाद निकाह के दुनियाई अहकाम ख़त्म हो जाते हैं, मगर शोहर का उस सूरत में 4 महीने 10 दिन तक बीवी पर निकाह का हुक्म बाकी रहता है कि वो इद्दत गुजारेगी। तो शोहर के मरने की सूरत में बीवी उसको देख भी सकती है और उसे हाथ भी लगा सकती है, और बीवी के मरने की सूरत में शोहर पर निकाह का कोई असर बाकी नहीं रहता, यहाँ तक कि वो बीवी की मौत के फौरन बाद बीवी की बहन से निकाह कर सकता है। लिहाजा बीवी के मरने की सूरत में शोहर बीवी को देख तो सकता है मगर बिला हाइल जिस्म पर हाथ नहीं लगा सकता। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।